धर्म तो जीवन में जितना आ जाए, लेकिन मुझे पाप से, दुष्कर्म से, अधर्म से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जितना प्रयास करोगे उतना अगर कुछ परसेंटेज भी सफलता मिली आपको, आप समझोगे आपकी जीवन का बहुत बड़ा एक नया दृष्टिकोण आपने मुझे दिया जीवन में, कि सामूहिकता के साथ में धर्म कर्म का बड़ा ही अपना लाभ जो आपने बताया कि भाव परिवर्तन हो जाता है। सामूहिक क्रिया सामूहिक होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कार्य हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कहीं भी अच्छे काम के लिए बैठना हो, अच्छी चर्चा भी हो जी, वो भी सामूहिक चर्चा है। कि अगर कल अपन बैठ के एक धर्म चर्चा कर रहे हैं, व्यवहार भी चल रहे हैं, कि आज जो लोगों के जीवन में और समय के बदलाव, इस डिजिटल युग, ये मोबाइल, उसमें बैठ के अपन चर्चा करें कि हम इसमें कैसे बच सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम आपकी सामूहिक चर्चा का हो सकता है। कि आजकल महाराज लोगों ने भी प्रवचन में इस पर अपना इंडिकेशन डालना चालू कर दिया है, बहुत अच्छे से डांट लगा के भी, प्रेम से बोल करके भी, कि भाई इससे बचो। अभी के धर्म स्थल में आप देखो कि वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। मैं उसकी अनुमोदना करता हूँ कि मेरे पास मोबाइल लेके मैं बैठता हूँ, आज हम लोग जिस मोबाइल हमको अलाउड है बैठे, लेकिन वो सवा घंटे में 6 बार नज़र जाती जाती है जी। तो जो संप्रदाय या जो संत या जो भी, अगर ये बोलते हैं आप इसको छोड़ो, आपने 1 घंटा तो छोड़ा ना, 1 घंटा तो उस पाप से बोलो या ध्यान से बचे, रेडिएशन से बचे, आपने संयम आपने जीवन में अपना दिया, उसको छोड़ा जी। तो छोड़ने से भी आपके जीवन में अच्छी एनर्जी मिली, जीवन में हमेशा मित्र अच्छे बना, बहुत अच्छी बात है।